एवरी वेलकम है आप सबका एक बार फिर तो अपने नए व्लॉग में कैसे हैं आप उम्मीद करूं आप सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह पाँच बजे धोड़ी की पढ़ाई के साथ जी हां सुबह पाँच धोड़ी की पढ़ाई के साथ दो तीन दिन बच्चों की छुट्टी थी फुल मौज मस्ती फुल एंजॉय किया है आज स्कूल में जाना है स्कूल में जाना थी पहले थोड़ा बहुत काम जो पेंडिंग में रह रहा है वो करना भी जरूरी है जिसकी नींद आ ती खुल गई वो अपना काम करना लग गया है जिसकी नींद अभी उतरी भी नहीं है वो धीरे धीरे करके अंदर ती एक बार बाहर आ कर बैठ गए ही जब तक मम्मी बाहर ती अंदर आवेगी इतना फिर धीरे धीरे उनकी नींद है वो भी खुल जाएगी बाकी सब ना अपना अपना अलग अलग कंबल है वे लेकर दोबारा ती सो सोवण की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब सुबह सुबह थोड़ी बहुत सर्दी है वो होने लग गई है कल बहुत खला रहा था क्योंकि कल रात न रात ने तो समेट में कौन नहीं आ था और ही फिलहाल आज दिन में फिर तीस सफाई का काम है वो ही शुरू हुएगा तो बालक पहला स्कूल में भेजांगा बाड़का ने उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना सफाई अभियान है फिर तटार्ट हो जाएगा तो गाई सभी हम जा रहे हैं अपने घर क्योंकि और हमने तीन चार दिन यहाँ पर मौज मस्ती कर ली है और आज हम जा रहे हैं घर मतलब अभी स्कूल जाएंगे स्कूल से हम वापस घर जाएंगे ओके बट इतनो एक ही तो एक चीज गाली है घनी थोड़ी गाली है बाय बाय जी तो ना कर रहे बालका को भी मारो भी ऊपर जाना से बाय यार ये लाडो अरे अरे रो 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 बाय 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 तो कर दिया बाय 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 जित दिन निकल गी तुम तो करोगे टाप जाओ ना? हाँ डोली रा रापू आओ हेडो बुझ जाना ले जा कि ये ना ले जाना बाय बाय अत्र मामू का तो लेना आओगो बाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे ठीक ठाक मजे मौझ में होंगे तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे स्टोर से मैं अपनी जो हमने अपना बाथरूम के ऊपर जो स्टोर बना रखा है उसकी आज सफाई करनी थी तो मैं चढ़ गई हूँ स्टोर का ऊपर यहाँ और वैसे मैं रोशनदान से थोड़ा दूर हूँ तो मेरी वीडियो है वो थोड़ी साफ सी बिना आ रही है पीछे आपने दिखाई दे रहा होगा एलईडी चल रही है और टाइम शायद बजे तक ऊपर का सफाई करनी जरूरी थे और एक एक करके ना एक 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 कम एक कमरा की एक रसोई की एक बैठक की आज स्टोर रूम का नंबर आ गया है एक एक करके ना सारा की सफाई है वो कर देवांगे क्योंकि वैसे तो टाइम लगा कौन ही लेकिन जब हम स्कूल तो आया आवा है तब तक मम्मी है सामान सुमुन निकलवा दे है और फिर साफ सुफ करके ना हम अपना जो है रख देवा हाँ तो ये स्टोर है जो बंद रहा है लेकिन फिर भी इतनी गर्द इसमें डस्ट है वो जमा हो रही है तो एक एक ना मैं साफ करूंगी और फिर दोबारा तक कुछ सामान है वो हमने नीचे तार कर रख दिया है और कुछ है जो यहीं की यहीं पे मैं साफ कर कर यहीं पे ही जचा देंगी तो चलो कर ली हम अपना साफ सफाई तो अस नी आ रही है मेरे साथ ऊपर नहीं आ रही हुआ नीचे हमने ड्राम रख रखा है वहीं तक खड़ी होकर देखने लाग रही है अभी शाम का टाइम हो गया है बच्चे स्कूल माती जा कर आ भी लिया ही बाकी बीच में मैंने कोई क्लिप वो नहीं बनाई थी क्योंकि कल जितना खलारा खंड रहा था नीचे फर्श पे वो मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा समेता है अनिता है आज जो बाथरूम के ऊपर स्टोर बना रखा है उसकी सफाई करने लाग रही है वो क्लिप आपने छोटी थोड़ी बहुत पहला देख भी ली होगी और वैसे बहुत घना सामान है वो रखा है बस समझ में यू को नहीं आ रहा कि उन्हें बार फेंकना है या वापिस रखना है वे ऐसी चीज है उनमें ऐसा मन से अटक जावे है कि चलो अगली बार काम आ जाऊँगी अब की बार नहीं तो अगली बार काम आ जाऊँगी लेकिन क्या करा है ना कि ना तो कल किसे का आया ना किसे की अगली बार आई तो खैर ये तो फिर हमने वैसा कहीं नू का यूं रखना ही, ही। जिसमें है कुछ जा कुछ सामान है जो हमने दोबारा थी धोके और रखना है जिसमें मम्मी है वो अपनी बाल्टियाँ कहीं साफ करने लाग रही है जो एक्स्ट्रा बाल्टी है जो ऊपर ग्राउट वगैरह डाल थी टाइल्स में वे हैं और जो घी का ड्राम ड्रूम है वो सारा मम्मी धोकर रखने लाग रही है बाकी इसमें का हाथ भी कुछ नया बर्तन है वे हाथ आ गया था जो हमारी शादी का ही और इसने मसाला दाने बोले हैं वो है तो बस ये वो बता रही थी कुछ इस तरह थी, थी आप इसने प्रिपरेशन कर सका हाँ उसने नू कर सका हाँ मखा देखांगा बेटी अब तो यूं की यूं बंद कर कर रख दे तो कह रही है निकाल लो ना प्लीज मखा एक तो निकाले बाकी है सारा निकाल के के करांगा धीरे धीरे सर्दियां स्टार्ट हो गई है गर्म पानी करना भी जरूरी है क्योंकि ठंडा पानी थी तो वैसे भी नाया को नहीं जावा तो बस आज टंकी है गर्म पानी की वह सेट कर और वैसे तो ये वाली टंकी है हमारी रेंट पे जो घर दे रखे है उस साइड ने रखी थी लेकिन वो योजा है कई बार क्योंकि हम अपना घर का मैं का हिसाब थी और किस टाइम पे गर्म पानी करना है सुबह सुबह अपना हिसाब थी करना पड़ा है और जिस टाइम पर हम गर्म पानी करा है उस टाइम पे भी उठा को नहीं पावे कई बार हुआ है कि बोल कर जगाना पड़ा है और वे उसके बाद फिर कुंदी खोली जाए है और फिर गर्म पानी है वो तो कराया हमने सोचा कि क्यों तो उड़ की नींद है वो डिस्टर्ब करी और क्यों उड़ न करे तो हमने सोचा अपनी जो टंकी है वो बाहर की साइड ही ले आ जो खाली जगह है इसी के अंदर सेट कर देवा बाकी एक रीजन और भी था क्योंकि उस साइड ने लिमिट का ही पानी है लिमिट की टंकी रखी है और गर्मियों में ज्यादातर अगर गर्म पानी यूज होएगा तो फिर आपने भी रहे थोड़ी बहुत पानी की किल्लत तो हो ही जाएगी वराह होद का भी सिस्टम है और जो नलकी वगैरह है वे सी डी के अंदर है वो सेट कर दी जाएंगी तो हमने जो पानी डालने वाला सिस्टम है हमारा वो भी खत्म हो जाएगा तो बस आज हमारी टंकी तो सेट हो गई है इसी के साथ साथ नलकी है धीरे धीरे करके ये और सेट हो जाएंगी अभी टाइम है अगले दिन सुबह सुबह का जी हाँ अगले दिन सुबह सुबह का और सुबह सुबह ही चूड़ी बेचने वाला भी आ गया है गली में अनिता वो चूड़ी है चेक करने लाग रही है कौन सी ली जा कौन सी नहीं ली जा अगर कोई अच्छा डिज़ाइन ला गए है या ना ला है लेकिन चाहे लागो ना लागो अगर रेडी के ऊपर खड़ा रेडी के पास खड़ा हो गया हाँ तो एक पीस लेना तो बनता है तो बस वो अनिता देखने लाग रही है ज़्यादा नहीं एक पीस तो ज़रूर लेकर जाऊंगी जाऊँगी कोई सा लेकर कर जाऊँ कोई सा ना

कल जो टंकी सेट की थी पानी की तो आज बस इस नवराती चालू भी कर दिया है गर्म पानी है धीरे धीरे करके होन लाग रहा है इसके बीच में लकड़ी वगैरह है वो डाली जावे हैं बाकी वो राती ऑन कर देवा तो अपना पानी है सीधा बाल्टी का अंदर ही आवेगा तो इस साइड कुछ स्त्रिया का हमने अपना सेटअप है वो जचा लिया है बाकी बहुत ईजी हो गया है पहले तो हम बाल्टी बाल्टी लेके इसमें डाला करता है जिसमें सारा पैर बीग जाया करता और कपड़ा है वे भी बीग जाया करता ऊपर तय दुखी हो लिया करता वो नारा बाकी हमने अपना यो वाला जो जुगाड़ है टेम्परेरी सिस्टम है वो सही लग गया अभी फिलहाल शाम का टाइम हो गया है बाकी पूरा वो लोग आपने देख लिया होगा हमारा साफ सफाई का है वो ही चल रहा है हमारी दौड़िया ऋषि भी घर जा ली ही और आज ग्यारस भी है बाकी काम तो देखो सारा ही करना पड़ा है धीरे धीरे करके और जब तक दीपावली नहीं आ जाएगी इतना साफ सफाई है वो चलती रहेगी बाकी आवाज बारे पक -पक बार का, तो का स्कूल का काम है वो ही पूरा होता, तो ने थोड़ी भी खेलना कल कल ती फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा यानी कि कल है धनतेरस तो आप सबने इन एडवांस धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस है कल ती फेस्टिवल है धनतेरस है तो अपने घर में मिठाई आने और जाने जानेटार्ट होगी है तो फिलहाल अपनी मिठाई है भी मेरा आ गई है केक क्या ही वे चलो आपने एक बैक कैमरा करके दिखा दे हूँ बाकी मेरी ज्यादा निगाह बालक का ऊपर भी है क्योंकि वे एक बार ऊपर नीचे उतरा है तो मैं सोचू कि सैकल लाग ना जावे तो थोड़ी थोड़ी निगाह खाने भी जावे है खैर दिखाई दे हूँ के, के मिठाई आ गई है तो ये वाली मिठाई है वो आ गई है दोनों ही फेवरेट है गुलाब जामुन भी और डोडा बर्फी भी एक पैकेट मात एक बॉक्स माथी निकाल कर खा भी लिया है सब ने एक एक पीस बाकी मन ने खाया नहीं क्योंकि मेरी एक आध से है और इस साइड ने है गुलाब जामुन वैसे तो सारी मिठाई है वो या अच्छे गए हैं लेकिन एक आधा फेवरेट का नाम वो जहन में एक तो गुलाब जामुन है एक डोडा बर्फी मेरी ज्यान की और धोड़े की इमार तीनवा की जो ये फेवरेट है डोडा बर्फी बाकी गुलाब जामुन डोडा बर्फी आ गया ही मिठाई तो आए ली ही मिठाई मिठाइया ती कोई काम है वो को नहीं चल रहा है घर की रोटी सब्जी तो बनानी पड़ेगी खैर तक आपने अगर वो लोग देखा है तो कैसा लगे आज का वो लोग कॉमेंट करके जरूर बता दियो मिलांगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय